खरगोन के भगवानपुरा क्षेत्र में जल संकट, भीषण गर्मी से पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए दर बदर भटकने के लिए मजबूर लोग। कलेक्टर साहब जरा इधर भी ध्यान दीजिए। भगवानपुरा जनपद पंचायत अंतर्गत पलाकुष्ट पंचायत के राय टमरी फालिया में भीषण जल संकट गरमा गया है। फालिया में पानी के लिए त्राही त्राही कोहराम मचा हुआ है। पीने के पानी के लिए ऐसी जद्दोजहद और ऐसी मशक्कत आपने अभी तक कहीं पर भी नहीं देखी होगी। हम सड़क मार्ग से होते हुए ऊबड़ खाबड़ मार्ग से राय टेमरी बाजारिया फालिया पहुंचे। फालिया में दिनों दिन जल संकट जैसे हालत बने हैं। फालिया के लोग पीने के पानी को तरसने लगे हैं। राय टेमरी फालिया के लोगों को भूख लगने पर रोटी की उतनी ज़रूरत नहीं बल्कि सूखे कंठ को तर करने के लिए पानी की उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। आज के हालात की हम बात करें तो फालिया के लोगों ने अपने खेतों का काम छोड़कर युवा पुरुष महिलाएं और साथ में छोटे छोटे बच्चे भी पानी की तलाश में भटक रहे हैं। पानी जहां पर भी मिलता है बर्तन की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कंट्रोल की दुकान की तरह लोग अपने बर्तन को लाइन में लगाकर पानी की जद्दोजहद के साथ बड़ी मशक्कत के साथ पीने का पानी अपने घर ला रहे हैं। लाइन में लगे लोगों को जिस जैसे पानी मिला उसे मिल गया, लेकिन जिसे पानी नहीं मिला या पानी के खत्म होने पर उसका पहला नंबर दूसरे दिन आता है। तस्वीर कभी भी झूठ नहीं बोलती। सरकार आदिवासी ग्रामों और फाइलों में भले ही तमाम सुविधा मुहैया करवाने का ऐलान करती है, लेकिन धरातल पर नज़र दौड़ाई जाए तो हकीकत कुछ और ही नज़र आती है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी की शुरुआत होने से पहले सरकार जल संकट वाले ग्रामों और फाइलों का सर्वे करवाकर जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तस्दीक करवाकर गांव या फाइल चिन्हित करवाती है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से सरकार जानकारी एकत्रित करती है। जल संकट वाले इलाके कौन से हैं, सरकार की सूचना को अमल में लाकर स्थानीय सरपंच और सचिव द्वारा जल संकट वाले फालियों में पेयजल संकट की तस्दीक करके जनपद को लिखित सूचना पत्र लेकर अवगत करवाते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? कुछ नहीं। ढेरों सारे लोगों की समस्या का लिखित वो पत्र फाइल के नीचे दबकर रह जाता है। राय टेमरी फालिया के आदिवासी महिला शाइनू सोलंकी, रेसा सोलंकी, बाजारिया सोलंकी ने बंगी सिलदार ने हमें बताया कि सरकार हमारी परेशानी को नहीं देख रही है। फालिया में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए हमें खेतों में काम छोड़कर आना होता है। सुबह से हम फालिया के लोग पानी की तलाश में निकल जाते हैं। जब पानी पीने का पानी नहीं मिलता तो परेशान होते हैं। पानी नहीं मिला तो खाली बर्तन लेकर घर से लौटना पड़ता है। शाइनू सोलंकी ने बताया कि सरकार ने हमारी परेशानी को देखते हुए जल्द से समाधान करना चाहिए। बाजारिया सोलंकी ने बताया कि हमारे फालिया में हैंडपंप, कुएं, नदी नाले पूरी तरह सूख चुके हैं। पशुओं को भी सर के बोझ से पानी लाकर पिलाना पड़ रहा है। पानी के लिए हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे इन भीषण जल संकट वाले राय टेमरी फालिया से वाकिफ तो हैं, लेकिन इसका समाधान करने के बजाय उसे नज़रअंदाज करने में लगे हैं। हालांकि वहां के लोगों का सब्र का बांध अब फूटने लगा है। उनका कहना है कि सरकार को हमारे फालिया में पीने के पानी की समस्या को दिखाने के लिए जिला मुख्यालय पर भी अगर धरना देना पड़े तो हम धरना ज़रूर देंगे। वंदे भारत से दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट।